हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे बने रहिएगा। मैं पारस आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद पारस में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम एस धोनी कैसे सोचते हैं, मतलब कि क्या उनकी थिंकिंग रहती है और कैसे आप अपनी गेम में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो में हम उनकी क्वालिटीज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आप सब जानते हो, आई थिंक आप उससे बेटर ही जानते होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप उनके जैसे सोच कर सकते हैं, उनके जैसे माइंडसेट कैसे रख सकते हो। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हम बेसिकली तीन चीज़ों की बात करेंगे, पहले बॉलिंग, फिर बैटिंग, फिर हम लास्ट कैप्टनसी की बात करेंगे। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बॉलिंग की। तो गाइस, अगर आप एक बॉलर हो तो आपको जो है आपका मेन काम क्या रहना चाहिए, आपका मेन काम रहना चाहिए कि बैट्समैन जो है वो क्या कर रहा है, उसका बेसिक क्या है, जैसे स्टांस क्या है उसका, या उसका बैट कैसे है, या फिर उसकी बैकलिफ्ट कैसे जा रही है, उसका फुट मूवमेंट कैसे है, आपको उससे हिसाब लगाना है। और उसके बाद आपको उसके, जब आपको पता लगे कि उसकी ये जो है कमजोरी हो सकती है, तो आपको जो है लगातार उस पर बॉल करनी है। और अगर उनकी वो कमजोरी हुई तो ठीक है, जैसे मान लीजिए बैट्समैन खड़ा है अपना ये पैर खोल के, ओपन चेस्ट स्टांस है उसका, तो आप उसको आउटस्विंग डाल सकते हो, जिसके कारण क्या होता है वो इधर जाएगा, मतलब कि ऑफ ड्राइव करने जाएगा, जिसके कारण एज लगकर उस वो इजीली आउट हो सकता है स्वीप में। या फिर कोई कुछ बैट्समैन होते हैं जिनका फुट मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, वो इतना ही पैर निकालते हैं और फिर शॉट खेलते हैं, उनका चांस हो जाएगा हवा में जाने का। तो आप क्या कीजिए, उनको ओवर पिच यानी ड्राइव का बॉल डाल सकते हो, और वो जब उस पर ड्राइव करेंगे तो जो आपका शॉर्ट कवर का फिल्टर होगा वो ईजिली कैच जो है वो पकड़ सकते हैं, मतलब कि ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो। ये तो वैसे फास्ट बॉलर का हो गया, स्पिनर्स भी क्या कर सकते हो, जैसे बैट्समैन ये ऐसे खड़ा ओपन किया, जैसे मैक्सवेल खड़े होते हैं, तो उनको ड्रिफ्ट करा सकते हैं, ऑफ स्पिनर ड्रिफ्ट करा सकते हैं, या लेग स्पिनर का करते हैं, इधर उनको थोड़ा सा डाल दीजिए फुल लेंथ का बॉल, जिसको वो जो है हिट करने जाएंगे और बॉल जो वो ज़्यादा ऊपर चल जाएगा, ऑफ साइड में डालने की कोशिश कीजिए। इस पर मैं अलग से पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो कि कैसे कि आप जो है अगर बॉलर हो तो ये गलती ना कीजिए। तो गाइस, ऐसे आप बॉलिंग में अपना दिमाग लगाइए, जैसे आप अगर पहले बॉलिंग करते हो तो आपको नोटिस करना है सिंपली, बट अगर आप थोड़ा बाद में बॉलिंग करते हो तो आपको ये नहीं अकेला यही ध्यान रखना है कि ये मैच ऐसा चल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि बैट्समैन क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप बाद में बॉलिंग करते हो थोड़ा, मतलब कि जैसे 4-5 ओवर के बाद बॉलिंग करते हो T20 में, या फिर वनडे में 10 ओवर के बाद बॉलिंग करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं बैटिंग की ओर। तो गाइस, अब बात करते हैं बैटिंग की। तो गाइस, बैटिंग में आप क्या माइंडसेट रख सकते हो, जो कि एम एस धोनी सर भी रखते हैं, क्या माइंडसेट रखते हैं वो माइंडसेट मतलब ये रखते हैं, जैसे कि इसमें भी आपको समझना है, जैसे अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप बैट्समैन को समझ रहे हो, तो आप अगर बैटिंग कर रहे हो तो आपको बॉलर समझना, बॉलर्स को कैसे समझने का मतलब है कि आपको ये नहीं एक मतलब कि ऐसे ही समझने का नहीं है कि आपको अपनी टेक्निक ही चेंज कर लेनी है, समझने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप टारगेट चेस कर रहे हो या फिर आप पहले ही बैटिंग कर रहे हो, टारगेट चेस का ले लीजिए, आप जो है देख रहे हो कि बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिनको खेलने में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप क्या करो अपने पार्टनर को भी समझा दो कि आपको जो है अब स्ट्राइक रोटेट करनी, जितना हो सके स्ट्राइक रोटेट करनी है, जितना हो सके सिंगल डबल पर ध्यान देना शुरू कर देना। सिंगल डबल कैसे लेते हैं, मतलब कि अगर आपका फील्डर डीप लगा हो तो आप उसके हैंड में मतलब कि हल्का सॉफ्ट हैंड से खेलकर डबल ले सकते हो, या फिर सिंगल ले सकते हो, या फिर आप गैप में हल्का सा पुश करके डबल सिंगल ले सकते हो, तो ऐसे आप कर सकते हो। और अगर 10-10 के रन की रिक्वायरमेंट हो तो आप ये भी कर सकते हो कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना, इसके लिए क्या आप कर सकते हो, इसके लिए आप जो है अपने पार्टनर को कह दो कि जो स्टार्ट है वो लंबा लीजिए, मतलब जैसे जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन होता है वो लंबा स्टार्ट लेता है, तो उससे क्या होगा वो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है खुद ही कवर कर लेगा, और जो सिंगल भी नहीं होगा वो भी वो ईजिली सिंगल कर लेगा, ठीक है। बाकी इसमें आपकी फिटनेस भी डिपेंड करती है। और फिर आपको एक ऐसा बॉलर सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप खेलने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो, और उस पर आपको पूरे एवरेज निकाल लेनी अपनी, या फिर अगर आपकी एवरेज कम है तो आपको हिटिंग करनी है उस पर, या फिर आपका टारगेट सेट करो तो भी आपको हिटिंग करनी है उस पर, जितना हो सके उस पर रन बनाइए। इसका रन बनाने का मतलब ये भी नहीं कि हर बॉल आपको हवा में हिट करना है, आपको देख कर हवा में हिट करना है, और बाकी जो है आपको गैप में बाउंड्रीज मतलब कि बाउंड्रीज लेनी है, मतलब कि आने का मतलब सिंपल ये है कि जो बैट्समैन जो है जो बॉलर जो आपको ख़राब बॉल दे रहा है उसको आपको पूरा अटैकिंग माइंडसेट होना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको पूरा अटैकिंग होना है, और उसके बाद आपको अटैक करना है पूरा, आपको पूरा अग्रेसिव माइंडसेट से खेलना है, जैसे बड़े बड़े पावर हिटर करते हैं अग्रेसिव माइंडसेट से खेलते हैं, और एमएलबी कैसे करते हैं आप देखा होगा कि कुछ बॉलर्स के सामने वो हवा में भी खेल देते हैं, जितनी मर्जी सिचुएशन खराब हो वो ऐसे ही करते हैं, जैसे
2011 वर्ल्ड कप जो था वो मुताया मुरलीधरन को जानते हैं, वो कहाँ कहाँ बॉल डालते हैं, क्या उनके वीक पॉइंट मतलब कि कहाँ पर वो वीक बॉल करते हैं, तो वो जैसे ही उस पर बॉल डालते थे तो वो जो है हिट कर रहे थे उनको। तो आप इससे ध्यान लगाइए कि आपको जो है कौन से बॉलर को पिक करना है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने कैप्टनसी की ओर। गाइस बात हो रही है कैप्टनसी की और एमएस धोनी का नाम ना हो आया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब क्या करते हैं वो कैप्टनसी में, जैसे आप बॉलिंग कर रहे हो, आपकी टीम बॉलिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है, आप जो है देख रहे हो कि बैट्समैन जो है इस प्रकार का प्लेयर है कि मतलब कि कैसे खेल रहा है, उसकी टेक्निक आप देख रहे हो, और फिर आपको ये अंदाज़ लगाना कि आपकी टीम का कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि वैसी बॉलिंग करता हो कि जो है वो परफेक्ट उसको आउट करने के काबिल हो। जैसे कि कुछ बैट्समैन की कमजोरी होती है ड्राइव वाला बॉल, जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था कि कुछ बैट्समैन जो फुट मूवमेंट कम करते हैं, जैसे आज की डेट में जॉनी बेस्टो और पहले की डेट में वीरेंद्र सहवाग, वो उनको ड्राइव खिलाते हैं तो जिसके कारण वो शॉर्ट कवर पर आउट हो सकते हैं। तो कुछ प्लेयर होते हैं जिनका फुल लेंथ का बॉल बहुत बढ़िया होता है, उनकी मतलब कि 95% चांस होते हैं फुल लेंथ का बॉल है, तो आप उनको ओवर दे सकते हो। या फिर बहुत से बैट्समैन गुड लेंथ पर आउट होते हैं तो आप उसको दे सकते हो जो गुड लेंथ अच्छा करता हो। या फिर कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं जो शॉर्ट पिच को मारने चले जाते हैं और बाहर थोड़ा करके हिट करने चले जाते हैं तो वो कैच हो जाते हैं, तो आप ऐसा कुछ अपना माइंड लगा सकते हो। गाइज आपको कैप्टनसी जो है ना, मतलब कि क्रिकेट जो गेम है वो आपको समझने का है। आप बॉलिंग करो तो भी आपको समझना पड़ेगा, बैटिंग करो तो भी आपको समझ के खेलना पड़ेगा कि कौन बॉलर क्या करता है, कैसी उसकी बॉलिंग है, और कैप्टनसी में तो आपको ऑब्वियसली सब कुछ करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और बैटिंग में भी आपको कौन सा बैट्समैन काबिल है इस सिचुएशन में वो आपको देखना है बेहतर से बेहतर। वो आप हो सकते हो या फिर आपका फ्रेंड हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की जगह वो आए थे, क्यों? क्योंकि वो जानते थे मुताया मुरलीधरन जो है उनको खेलने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो आईपीएल खेल उनके साथ खेल रहे थे तो उनके साथ प्रैक्टिस कर चुके थे, तो जिसके कारण उनको सब पता था कि मुरलीधरन कैसे बोल्ड करते हैं। तो वो उन्होंने गौतम गंभीर के साथ अच्छी पार्टनरशिप की और जिसके कारण इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप भी ईजिली अपने नाम कर दिया। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्रिकेट विद पारस में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।